Sri Vishwambar Prasad Nishad, please. माननीय सभापति महोदय पढ़ना है आपने जो भेजा वो हाँ देश के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लाभ से 1 जनवरी 2004 से वंचित कर दिया गया है। इस पेंशन योजना को समाप्त करने के बाद सरकारी नई पेंशन योजना एनपीएस लागू किया। इसमें कर्मचारी अपने अंश राशि को देकर निजी कंपनी के जरिए पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नतीजतन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अधिक कम पेंशन प्राप्त होने वाला है। इसे देखते हुए सरकारी कर्मचारी अपने बुढ़ापे को लेकर चिंतित है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस ऐसी स्कीम थी जिसके तहत सभी पेंशन धारकों को महंगाई में भी पर्याप्त धनराशि गुजारे लायक मिल जाती थी, पर यह नई पेंशन योजना महंगाई के इस दौर में गुजारे लायक नहीं है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पुनः लागू करने हेतु सरकारी कर्मचारी और संगठन लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार 1 जनवरी 2004 से पूर्व लागू पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पुनः प्रारंभ करें, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिक महंगाई के इस दौर में अपने को गुजर बसर लायक पेंशन पा सके। धन्यवाद।